थोड़ा नीचे करो बस ठीक है ना। एक मिनट रुक जा भाई, फोन ठीक है नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं पर उपस्थित यहाँ पे हमारे समस्तुल्य जनता का मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ कि हमने कल बहुत ही शॉर्ट नोटिस में एक निवेदन किया कि एक छोटी सी बैठक हमने करनी है और सारे लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ पे आए। जैसा कि आपको पता है, जैसा धर्मशाला के अंदर और पूरे हिमाचल प्रदेश की छह जो विधानसभा क्षेत्र हैं जिनपे जिनके ऊपर ये चुनावी जो एक हलचल सी मची हुई है उसके चलते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी कारण हमारी जो टिकट काट दी है, मुझे इस बात का बिल्कुल मतलब कोई मालूम नहीं था कि आनंद फानंद में ये हमारी टिकट काटेंगे। और जहाँ तक मुझे जानकारी थी कि माननीय सुधीर शर्मा जी को यहाँ से वो लोकसभा का चुनाव टिकट दे रहे हैं और राकेश चौधरी को धर्मशाला से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे रहे हैं। पता नहीं क्या और किन हालातों में ये सारा किशोर रचा गया, लेकिन बिना किसी कारण के पार्टी की सेवा करते हुए हमने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी का पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे थे और जिस तरह से हमें बिल्कुल चाय में मक्खी की तरह इन्होंने बाहर फेंक दिया है वो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। अब आज जो ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, ये वो लोग हैं जो हमारी पार्टी की मेरी खास करके मेरे लिए ये मेरी रीढ़ की हड्डी है, यही वो लोग हैं जिनका मैं बहुत आदर मान सम्मान और दिल से मैं इनके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इन्होंने पिछले इंडिपेंडेंट चुनाव के दौरान मुझे 17,000 वोटों के ऊपर पहुँचाया था और जब मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो सारा छिटक गया था, लेकिन यही वो लोग जो कंधे से कंधा मिला के मुझे 24,000 वोटों तक पहुँचा देते थे, इनका मैं सदा आभारी था, आभारी हूँ और आभारी ही रहूँगा। और जैसा अब यहाँ पे हम इनके साथ बात करेंगे आगामी हमने क्या रणनीति बनानी है, अगर हमारी जनता ने चाहा तो बिल्कुल हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और अगर इंडिपेंडेंट चुनाव के चलते अगर किसी पार्टी का भी हमें कोई ऑफर आता है तो हम वो भी उसमें भी हम मतलब डिस्कशन के साथ करके अपनी सारी जनता के साथ डिस्कस करके, क्योंकि अगर हम एक बार बैठ गए तो समझो कि सारी जनता उस जनता का विश्वास खत्म हो जाए। कांग्रेस से क्या आपको ऑफर है? कांग्रेस से भी हमें ऑफर है, पर सबसे पहला मेरा यही है कि मैं अपनी जनता के साथ बात करूंगा और अगर बात बनती है तो मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि धर्मशाला में हमें इन लोगों की भावनाओं को जीवंत रखना है। इसके लिए क्योंकि मेरे लिए तो जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो मुझे तो बड़े बड़े स्मार्ट लोगों ने ये टैग दे दिया कि ये दल बदलू है, लेकिन आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जिनका विलय हुआ है तो वो बोल रहे हैं कि सुबह की पुकार है, उनके लिए पुकार है और हमारे लिए दल बदल है। तो अब मुझे लगता है कि इस राजनीति से तो अब ये मतलब बिल्कुल ये चंदर जो है वो हट ही जाएगी भी कहाँ कौन कहाँ गया। और राकेश चौधरी को छोड़ो, बड़े बड़े दुनिया के इतने महान नेता जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी पार्टी में लगाई और एक झटके में यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। झूठ हुई जैसे समय की पुकार होगी हम वैसा डिसीजन लेंगे। राकेश चौधरी भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं? बिल्कुल, मैंने सामूहिक आपके पत्रकार वार्ता में ये कही है कि मैं सभी अपने पदों से जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पास दिए थे, ओबीसी का मैं उपाध्यक्ष था, प्रदेश मोर्चा का और प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य था, मैं उन सभी पदों से आप लोगों के माध्यम से मैं डॉक्टर राजीव इंदिर